अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्दी फूड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दो इंग्रेडिएंट्स के साथ, ओनली टू इंग्रेडिएंट्स के साथ कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ठीक है, 2 kg मेरे पास है दूध या 2 लीटर। ठीक है, एक प्याली मेरे पास भर के हैं फुल चीनी। प्याली का आप साइज देख लें। सबसे पहले कढ़ाई को मैं रखूंगी चूल्हे पे। फ्लेम ऑन करूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। इसको एक उबाल आने दूंगी 2 से 3 मिनट। मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको उबाल आने देना है। उबाल व्यूअर्स इसमें आ गया था, मैं अभी इसमें चम्मच चला रही हूँ। कंटिन्यूसली आपने इसमें चम्मच हिलाना है। आधे घंटे में ये तैयार हो जाता है। वीडियो मैं शॉर्ट रखूंगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको साथ के साथ बताती आऊंगी। कंटिन्यूसली आप इसमें चम्मच हिलाएंगे। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। अच्छे तरीके से चीनी को मेल्ट होने दूंगी। हिला हिला के चम्मच हिलाऊंगी इसमें। बिल्कुल मार्केट जैसा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बनेगा। मार्केट के कंडेंस मिल्क को और महंगे कंडेंस मिल्क को आप भूल जाएंगे। इजीली ये दो चीजों में ही तैयार हो जाता है, दूध और चीनी। ठीक है, आपने क्वांटिटी का ख्याल रखना है। 2 लीटर दूध में मैंने ये वाली प्याली, आप इसका साइज देख लीजिए, ये वाली प्याली भर के मैंने चीनी की डाली है। ठीक है, अब मैं इसको पकने दूंगी। ये देखिए व्यूवर्स, आपने इसमें बलाई बिल्कुल नहीं आने देनी। ठीक है, साइड से उतार उतार के आपने कंटिन्यूसली इसमें चम्मच हिलाना है। गाढ़ा होने तक इसको पकने देना है और चम्मच हिलाना है। तकरीबन वैसे तो आधे घंटे में ये तैयार हो जाएगा, लेकिन वीडियो में आपको शॉर्ट शॉर्ट दिखाऊंगी। गाढ़ा होने तक इसको मैं मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से चम्मच हिला के और साइडें साफ कर करके इसको पकाऊंगी गाढ़ा होने तक। व्यूवर्स, 2 लीटर दूध से हमारा जो है वो 1.5 लीटर दूध बच गया है। 5 से 7 मिनट इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से चम्मच हिला हिला के गाढ़ा कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है, बहुत सी रेसिपीज में, स्वीट डिशेस में और आइसक्रीम्स में ये यूज होता है। इंशाल्लाह आगे मैं रेसिपीज बनाऊंगी, तो मैंने कहा पहले मैं आपसे कंडेंस मिल्क की रेसिपी शेयर कर लूँ। मजीद इसको पकाऊंगी, चम्मच हिला हिला के इसको गाढ़ा करेंगे हम। ये देखें व्यूवर्स, इसमें इस तरीके से बबल्स बनने शुरू हो गए हैं और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। बस हमारा जो है कंडेंस मिल्क रेडी होने वाला है। 15 मिनट हो गए हैं इसको। फ्लेम मैं कर दूंगी लो और इसको मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। यहाँ पे आपने रुकना नहीं है। ये देखें व्यूवर्स, कंडेंस मिल्क हमारा रेडी है। आप इसकी थिकनेस चेक कर लें। इस पोजीशन में आपने इसका फ्लेम कर देना है ऑफ। 25 मिनट मुझे तकरीबन हो चुके हैं इस पोजीशन में। मैं इसको इसलिए बंद करूंगी चूल्हा इसका, कि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये देखें बहुत ही जबरदस्त सा कंडेंस मिल्क आपका रेडी है। ये फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और इसको मैं ठंडा करूंगी। ठंडा करने के लिए भी इसमें मैं चम्मच हिलाती रहूंगी ताकि इस पे मलाई ना बने। ठीक है, ठंडा करके इसको मैं एयर टाइट जार में या एयर टाइट बाउल में आप इसको निकाल सकते हैं। हफ्ते तक के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं इजीली। ये देखें कहीं भी इसमें दाने नहीं है। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने निकाल दिया है बाउल में। ठीक है, आप इसको एयर टाइट जार में या किसी भी चीज़ में डाल के, एयर टाइट होनी चाहिए, उसको धो के उसको खुश करके, गीली में आप बिल्कुल नहीं डालेंगे। चलिए मैं आपको चम्मच से चेक करवाती हूँ। ठंडा होने के बाद ये खुद ही ठीक हो जाता है। ठीक है,
ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कंडेंस मिल्क तैयार है। ये देखें व्यूवर्स, जार में मैंने इसको निकाल लिया है। मजेदार सा जबरदस्त सा कंडेंस मिल्क सिर्फ चीनी और दूध के पैसे, बाजार से बहुत सस्ता, इजीली घर में बन जाता है ये। ठीक है, मार्केट में आपको ये बहुत महंगा मिलता है, घर में इजीली और कम ही पैसों में तैयार हो जाता है ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स में। कंडेंस मिल्क बाजार जैसा घर में बनाएं और अपने पैसे बचाएं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।